एक कीबोर्ड के किस तरीके से अंदर का डस्ट निकालते हैं पूरा पूरा वीडियो में वही एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, वही बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देख के आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा किस तरीके से इसके अंदर का डस्ट निकालना है बोल के। सबसे पहले आप देखिए ये दोस्तों इस तरीके से असेंबल रहता है, ये पूरे बटन से क्या रहते हैं इसके अंदर रहते हैं, और इसके पीछे जब आप घुमाओगे तो यहाँ पे सारे के सारे नट्स रहते हैं दोस्तों। ये देखिए ये सारे नट्स, ये वाले ये नट्स जो मैंने निकाले हैं, तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से लेके आप इनको सारे को खोल दीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो रबर्स रहते हैं यहाँ पे ये एंड पर, ये रबर्स को भी निकाल लेना है, इसके अंदर भी दो नट्स रहते हैं। तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है, बस पूरे नट्स निकाल लेना है। तो ये जैसे ही आप इसको ऐसे करके उठाएंगे ये उड़ जाएगा, तो आपको इसको क्या करना है, ये साइड में रख लेना है, ये साइड में रख लीजिए दोस्तों। इसके बाद में इसको ले लीजिए, इसको लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके पूरे पूरे बटन्स को निकालना है। ये बटन्स किस तरीके से निकालते हैं और डालना कुछ नहीं है दोस्तों, जब आपको डालना रहता है तो मैं एक बटन लेके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये वाई है, ये वाई का पहले क्या कीजिए, जब भी आप कीबोर्ड लेंगे एक मोबाइल से इसका फोटो ले लीजिए, क्योंकि किधर का बटन किधर है वहाँ पे ही बटाना है दोस्तों, दूसरी तरफ नहीं बटाना है इसलिए। इसके बाद में जैसे कि आप वाई ये दिख रहा है वाई, इसको लेना है इस तरीके से, यहाँ पे दबा देंगे तो ये घुस जाएगा, ये चौक में डाल देना है और इसको अंदर जरा प्रेस कर देना है तो ये अंदर घुस जाएगा। मैं अभी निकाल रहा हूँ, क्लीन करना इसलिए इसको निकाल देता हूँ। इसको कैसे निकालते हैं बटन्स को बाहर वो आपको दिखाता हूँ वीडियो में। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये देखिए ये वाला जो आपको दिखा रहा है, एक कोने में आपको इसे स्क्रू ड्राइवर रखना है। रुकिए मैं एक निकाल के ही दिखाता हूँ आपको। आपका स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, एक कोने में इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर रखना है, इसको इधर से एक क्लिप को दबाना है एक साइड में। रुकिए मैं वीडियो पहले क्या करता हूँ, अच्छे से पकड़ लेता हूँ, एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से करने आ रहा नहीं है दोस्तों, फिर भी चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे पकड़ना है एक साइड में, और इसको इस तरीके से दबा देना है दोस्तों। ये वाला जो ऊपर का जो एक क्लिप आ रहा है, इसको इस तरीके से दबा देना है। ये जैसे ही दबाऊंगा दोस्तों, दोनों हाथ से ये देखिए नीचे निकल जाएगा, इसको इस तरीके से कर देना। ये देखिए बटन गिर गया है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बटन दोस्तों निकल गया। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे रख लीजिए। तो इस तरीके से करके सारे के सारे बटन निकाल लीजिए दोस्तों। ये वाले एक साइड में आपको एक साइड में एक क्लिप को दबाना है दोस्तों, एक आपके स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये सारे बटन कुछ इस तरीके से निकल के बाहर आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से बहुत ज्यादा डस्ट निकलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा डस्ट निकली है। देखिए मेरे यहाँ पे नीचे सब डस्ट गिरी हुई है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा डस्ट आती है। तो इसको भी मैं अभी ब्रश से अच्छे तरीके से पानी से क्लीन करके धो लूंगा, उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया इसको दबा दूंगा और इसको इसके ऊपर रख दूंगा और स्क्रू ड्राइवर सारे बटा दूंगा, तो फिर से आपका कीबोर्ड काम करना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप दोस्तों आपके कीबोर्ड की डस्ट को निकाल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, इसके अलावा कुछ भी सवाल नीचे बिंदास कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।